काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हम लोग नेट एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, सर मैंने दो बार दे लिया, क्या मैं दोबारा एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता हूँ, सर मेरा जेआरएफ हो गया, क्या मैं अगली बार जेआरएफ दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये सारे जो डाउट है वो आज आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म, माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिलर फॉर्म में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग कितनी बार नेट एग्जाम दे सकते हैं और कितनी बार आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या आपको अगर दो तीन जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे। दोस्तों यूजीसी नेट एग्जाम 2023 का नया बैच स्टार्ट हो गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना काफी आसान है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं यहां पर दोस्तों सबसे पहले नेट एग्जाम की। दोस्तों नेट एग्जाम आप लोग कितनी बार भी दे सकते हो क्योंकि यहां पर कोई एज लिमिट नहीं होती है, बट यहां पर यह भी है कि अगर आपका एक बार क्वालिफाई हो गया तो आप दोबारा क्वालिफाई कर सकते हो क्योंकि आपको यहां पर एज लिमिट नहीं और आपको जेआरएफ के लिए करना है। मान के चलो आपका भी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया और जेआरएफ नहीं हुआ तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, वहां पर भी आपका नेट एग्जाम हो गया जेआरएफ नहीं हुआ तो आप तीसरा भी दे सकते हो, बट यहां पर एज लिमिट नहीं है तो आप कितनी बार भी नेट एग्जाम दे सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। हां यह भी आप एक सब्जेक्ट में काफी बार नेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो और अनदर अनदर सब्जेक्ट में भी आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। बट अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर जेआरएफ की, तो जेआरएफ में यहां पर लिमिट आती है। सबसे पहली जो लिमिट है वो एज लिमिट, आपकी एज जब क्रॉस हो जाती है उसके बाद आप जेआरएफ का लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपका एक सब्जेक्ट में एक बार जेआरएफ हो गया तो आप दोबारा उस सब्जेक्ट में जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते। हां ये जरूर है कि अगर दोस्तों आपका जैसे हिंदी में जेआरएफ हो गया तो आप कॉमर्स में जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब दो सब्जेक्ट में दोबारा आप लोग जेआरएफ ले सकते हो, बट एक सब्जेक्ट में आपको जेआरएफ एक बार ही लेना है। अब दोस्तों आपको बस एक काम करना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका प्लान क्या है, आप लोगों ने कितनी बार एग्जाम दे लिया है और किस किस का नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।